इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। अभी तुम यहीं से गए थे ना? तुम तो हमें गोल गोल घुमा रहे हो। तुम्हें सेंट्रल जेल का रास्ता पता भी है नहीं, हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो। सब क्यों करते हो तुम? अच्छे से पता है सब कुछ का है। तुम जारा को फोन करो, यहाँ पर मिलने के लिए बुलाओगे और मैं पता तक नहीं चलूंगा। हसरा, हमें नहीं लगता इसको जेल का रास्ता पता है। हम भी देखेंगे जारा कि तुम रिजवान भाई से कैसे मिलती हो। तुम्हारी तबीयत को कुछ हो जाएगा तो तुम हमारे साथ चलो। रुकसान काशान भाई, खुदा के लिए लेके जाएंगे, हम आप लोगों के साथ नहीं आएंगे। हमारी बहन रुकसान को बचा लो जारा, तुम्हें अल्लाह का वास्ता जारा, उसे बचा लो वरना वो मर जाएगी जारा। तुम सच में हमें 3-4 दिन के लिए यहाँ रखने वाली हो? हाँ रुकसान, कोई जरूरत नहीं। तुम जारा की जिम्मेदारी नहीं हो, तुम हमारा फर्ज हो। हम नहीं चाहते कि हमारी बीवी का रहमो करम किसी और के मोहताज है, इसलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। जारा, हम अपना वक्त जाया करने नहीं आए, रुखसार अपनी शर्त पूरी करने है, तो अब निकले यहाँ से। हम अपने घर जा रहे हैं, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है जारा। हमने आप सब लोगों से झूठ बोला, इसे अच्छे से देख लो, अच्छे से पढ़ लो और इस पे लगी हुई मोहर पर काजी साहब का नाम भी पढ़ लो और सबको बता दो कि ये क्या है। तुम चाहे जितने भी चाल चल लो ना, तुम्हें यहां से लिए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। ये इस वक्त इस कमरे में क्या कर रही है? जरूर चोरी के मकसद से आई होगी। आखिरकार तुमने अपना असली रूप दिखाई दिया ना? अम्मा, आप क्या छुपा रही हैं हमसे? अब आप तो बताइए। अब्बा, अम्मा बताइए ना। अम्मा हमारी तरफ देखिए, हमें बताइए आप लोग क्या छुपा रहे हैं, हमें घबराहट हो रही है। अम्मा प्लीज बताइए ना, आप कौन सी बात छुपा रही हैं? आपको हमारी कसम, जारा के इलाज के ऊपर हमारा सब कुछ तो बिक चुका है। कैसे बताएं जारा को कि हम अंदर से कितना टूटे हुए, हम अपने घर की मरम्मत तक नहीं करवा सकते। जारा से छुपाना तो पड़ेगा ही, हम जारा को अपनी परेशानियां नहीं बता सकते। आप लोगों ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, हम लोग पैसों की तंगी से जूझ रहे थे, वो भी इस कदर कि हमारे पास घर की मरम्मत तक के पैसे नहीं है और हमें किसी ने बताया तक नहीं। आप लोग ने हमें बताना सही क्यों नहीं समझा? आप लोगों को क्या लगता है कि हम इतने कमजोर है कि हम इस बात से बिखर जाएंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे? अब्बा, क्या हम इस घर का हिस्सा नहीं है? आप लोगों को एक बार भी नहीं लगा कि सारा को बता दें? क्या हम पराए हो गए? बेटा जारा, तुम्हारे पर गमों का पहाड़ पहले ही गिरा हुआ है, हम इसलिए तुम्हें और परेशानी नहीं देना चाहते थे।
पैसों का क्या है, तो आते जाते रहते हैं, जिंदगी का उतार चढ़ाव है बेटा, कभी धूप तो कभी छांव। आप फिक्र मत करो बेटा, अल्लाह जरूर मदद करेंगे। जी अब्बा, अल्लाह सब ठीक करेंगे, लेकिन खुदा भी बंदों की मदद तभी करता है ना जब वो खुद मेहनत करे। आप देखेगा, हम इस घर के हालात ठीक करने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। हम बहुत मेहनत करेंगे। ये सब चर्चा हम बाद में भी कर लेंगे, मगर सबसे पहले जाकर आप उस बेचारी रुखसार को देखो, उसे रोको बेटा। जारू, तुम प्लीज उसके पास मत जाओ। देखिए, हम जानते हैं कि उसका इरादा नेक था, वो मदद करना चाहती थी, पर आप लोग ये भी तो सोचिए कि इतने पैसे उसके पास आए कहाँ से। अजरा, हमें तो लगता है कि ये पैसे भी उसने चोरी किए होंगे। अजरा, खुदा के लिए चुप हो जाओ। जब पूरी बात ना पता हो ना तो नहीं बोलना चाहिए। जॉब के लिए इंटरव्यू देने आए हैं। तुम भी इसलिए आए हो ना? तुम नौकरी रखो, हम जा रहे हैं। मुबारक हो नौकरी। एहसान करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम में काबिलियत होगी तो नौकरी खुद मिल जाएगी। ओहो, हो डर गए। हम इंटरव्यू देंगे और ये नौकरी हासिल भी करेंगे। नौकरी तो हमें मिलेगी। अरे मैं उदास नहीं हूँ, किसी को याद कर रहा था मैं, वो जिसने मुझे प्यार करना सिखाया। और प्यार से बड़ी तो कोई खुशी हो ही नहीं सकती ना। वो जब तक साथ थी मैं बहुत खुश था, वो नहीं है अब कम खुश हूँ। आप किसे याद करके इतना सैड हो रहे थे? मेरी वाइफ। प्यार से कई बढ़कर दोस्ती, और करण के साथ मेरी दोस्ती मुझे बहुत प्यारी। ऐसी दोस्ती में दोस्त एक दूसरे की परवाह भी करते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। लीजिए ये शादी का शगुन। माँ, वो मैं कह रही थी कि ये शादी, ये अब शादी हो जानी चाहिए। आपके पंडित जी कह रहे हैं ना कि शुभ मुहूर्त है 3 दिन बाद, तो फिर 4 दिन बाद क्यों? आप 3रे दिन ही बारात लेके आ जाइए। लाइफ के ऐसे मोड़ पे खड़ी हूँ कि ना आगे जा सकती और ना ही पीछे मुड़ के देख सकती। थक गई हूँ मैं अब, इसलिए अब मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा। सॉरी बेटा, सॉरी कि बीच राह में आपको छोड़कर जा रही। मुझे मल्हार जी को ये बात बतानी ही होगी। आप अंदर नहीं जा सकते। देखिए बहुत अर्जेंट काम है, हटिए आप। सर बहुत गुस्से में है इस वक्त, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप अंदर नहीं आ सकते। अब शान और पुचकी को एक होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मैं भी हम दोनों की प्रेम कहानी को मुकम्मल होते हुए देखना चाहती हूँ शान। नामुमकिन, हम दोनों ऐसा नहीं होने देंगे। क्यों? कभी पूरी नहीं होगी आप दोनों की ये दो कौड़ी की लव स्टोरी। आप दोनों दुनिया को इधर से उधर कर लीजिए, मुझे और शान को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। देखकर अपनी सास और सौतन नाम की खलनायिकाओं को मात, देखिए शान और पुचकी कैसे अंजाम देते हैं साल की सबसे बड़ी प्रेम कहानी को। तुमसे ना हो पाएगा मैं कल, देखिए। जाके मेरे पति को बुला। हम तो उन्हें बुलाने से रहे और वो यहाँ आने से रहे। तो कनेक्ट, कल सुबह मैं तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगी। अभी क्या, अभी गिरफ्तार कीजिए आप इन्हें इंस्पेक्टर साहब। मेरी बेटी के होते हुए भी अपनी पहली पत्नी से शादी करने जा रही है,
अब आप वही करेंगे जो हम कहेंगे। आपको सारी की सारी सच्चाई उगलनी होगी। हम अंतरा जी का सच सबके सामने ला कर रहेंगे। माफ कर दो महाराज जी, क्या है कि मैंने जो नई रसोईयन रखी है आपके लिए, मैंने उसे सात्विक भोजन बनाने को कहा था और उसने चाइनीज बना दिया। चीनी भोजन? हम क्रोधित हैं, हमारा घोर अपमान हुआ है। अब हम आपको अपने भोजन प्रबंध के लिए कभी भी नियुक्त नहीं कर सकते।